नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। भाजपा में खुशी की लहर, तीनों राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। राजस्थान में कांग्रेस का नहीं है एक भी राज्यसभा सांसद। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज पहुंचे, खैरतल हत्या के मामले का लिया फीडबैक। मृतक को व्यापारियों ने दी श्रद्धांजलि। ताया ससुर ने भतीजे की पत्नी को सरेआम तलवार से काटा, तमाशबीन बने रहे लोग, बहू के नौकरी करने से थे नाराज। भाजपा की महिला पार्षद का पानी की टंकी में मिला शव, संदेहास्पद बना मामला। उदयपुर में हुई घटना। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से राज्यसभा की तीन सीटों पर गुरुवार को प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा हो गई। निर्वाचन अधिकारी अखिल अरोड़ा ने किरोड़ीलाल मीणा और मदनलाल सैनी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र दे दिया। इस दौरान भूपेंद्र यादव मौजूद नहीं थे। भाजपा की ओर से तय किए गए तीनों प्रत्याशियों के सामने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने किसी भी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा। ऐसे में तीनों ही प्रत्याशियों का राज्यसभा जाने के लिए निर्विरोध निर्वाचन हो गया। भाजपा की ओर से भूपेंद्र यादव, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मदनलाल सैनी को राज्यसभा प्रत्याशी बनाया था। तीनों के निर्वाचन के बाद प्रदेश के राज्यसभा की सभी 10 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी हो गए हैं। इससे पहले राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों की ओर से भरे गए सभी 9 नामांकन पत्रों की मंगलवार को विधानसभा में जांच की गई, जिसमें सभी नामांकन पत्र सही पाए गए। निर्वाचन अधिकारी अखिल अरोड़ा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव, मदन लाल और किरोड़ी लाल मीणा के 3-3 नामांकन पत्रों की निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष बारीकी से जांच की गई। गौरतलब है कि यह निर्वाचन कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और नरेंद्र बुड़ानिया तथा भाजपा के भूपेंद्र यादव का 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के कारण हुआ था। कांग्रेस की ओर से इन चुनाव में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारने से भाजपा को क्लीन स्वीप मिली है। खैरतल में हुई व्यापारी मुकेश की हत्या का सुराग अभी तक नहीं लग पाया है। इस सिलसिले में पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज बीजू जॉर्ज जोसफ खैरतल पहुंचे और अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम पर फीडबैक लिया। इस दौरान जोसफ ने बताया कि पुलिस मुस्तैदी से हथियारों की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द हथियारों को गिरफ्तार किया जाए। जो कि एक ब्लाइंड केस था, लेकिन पुलिस काफी सीसीटीवी फुटेज एक्सेस कर पाया, उसके आधार पर तफ्तीश को आगे बढ़ा रहा है और जम पहले एनालिसिस और टेक्निकल रूप से भी मुलजिम तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। अभी तो सबसे पहले एक्शन ये होगा कि इस वारदात को खुलवाना है, मुलजिम को पकड़वाना है। उसके बाद जो अगर यहाँ पर नफरे बढ़ाना है, प्रेजेंस बढ़ाना है, एक्टिविटी बढ़ाना है, विजिबिलिटी बढ़ाना है, इस तरह के पॉइंट्स पर हम करेंगे। खैरतल में व्यापारी मुकेश की हत्या पर अलवर जिला व्यापार महासंघ ने खंडेलवाल धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा रखी। इसमें 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान महासंघ अध्यक्ष रमेश जुनेजा ने हत्यारों को 16 तारीख तक नहीं पकड़े जाने की स्थिति में 17 को अलवर बंद किए जाने की बात कही। वहीं इस मौके पर सुभाष अग्रवाल, सतीश भाटिया, पदम गोयल, जगदीश सिंगल, अशोक तनेजा, प्रमोद विजय सहित काफी संख्या में व्यापारी शामिल हुए। मुकेश अग्रवाल जी की जो हत्या कर दी गई गोली मार करके, उसके संदर्भ में अलवर जिला व्यापार महासंघ ने खंडेलवाल धर्मशाला में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसमें संस्था के जिले के सभी अध्यक्ष और महामंत्री उस श्रद्धांजलि सभा में आए और सबने एक मत से कहा कि अगर सही अपराधी 16 तारीख तक नहीं गिरफ्तार हो तो 17 तारीख को अलवर बंद कर देना चाहिए, पूरे जिले को बंद कर देना चाहिए। हम सभी ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष, पूरी यूनियन हम आपके साथ हैं और 17 तारीख को अलवर को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब अलवर में पिछले एक साल से रोज कोई ना कोई हत्या हो रही है, कोई ना कोई लूटपाट हो रही है, कोई ना कोई व्यापारी को मारा जा रहा है। इस संदर्भ में व्यापारियों में रोष है, व्यापारी बहुत भयभीत हो रहा है कि क्या करें। इसलिए प्रशासन से मैं ये कहना चाह रहा हूँ
न्यूज चैनल के माध्यम से कि जल्दी से जल्दी सही अपराधी को गिरफ्तार कर ले, अन्यथा 17 तारीख को पूरे जिले को अलवर जिला व्यापार महासंघ के नेतृत्व में बंद करेंगे। आज अलवर जिला व्यापार महासंघ के एक भाई मुकेश जी अजगर का जो देहांत हुआ, उनके श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सभी संस्थाओं के अध्यक्ष और महामंत्री यहाँ पधारे, जिले से पधारे, शहर से सभी पधारे। उसमें निर्णय लिया गया, एसपी साहब से बात हुई थी कि अभी तक क्या हुआ, तो एसपी साहब ने कोई आश्वासन अभी नहीं दिया कि कोई गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन एक दो दिन का टाइम मांगा है। तो उन एसपी साहब के एक दो दिन टाइम को देखते हुए ये निर्णय लिया गया मीटिंग के अंदर कि 16 तक प्रशासन को टाइम दिया जाए, 16 तारीख तक शीघ्र गिरफ्तारी नहीं की, और वो भी मुजरिम असली होना चाहिए जिसने ये घटना की है, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है। आए दिन व्यापारी बहुत परेशान हो चुका है, व्यापार करना बहुत कठिन हो गया है, व्यापारी में भय पैदा हो चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं घट रही हैं, कभी नीमराणा, कभी बहरोड, कभी अलवर, कभी राजगढ़, कभी खैरतल, ये छोटी घटनाएं नहीं है। व्यापारियों में बहुत आज गुस्सा देखा गया, व्यापारियों ने तो यहाँ तक का कहा था साहब टाइम क्यों दिया जाए, शीघ्र बंद की घोषणा की जाए कल से, तो हमने कहा साहब नहीं, एसपी साहब से मेरी बात हुई है खुद की, और एसपी साहब ने कहा था हम लग रहे हैं, तो एसपी साहब के आश्वासन को देखते हुए हमने दो दिन का समय दिया है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, और 16 तक अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 17 तारीख को पूरे अलवर जिले का बंद का आह्वान किया जाए। महिलाओं के प्रति संकुचित मानसिकता के चलते आज भी कुछ लोग महिलाओं को घर में सिर्फ एक गृहिणी के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। लेकिन कई बार महिलाओं पर ऐसे अत्याचार के मामले सामने आते हैं जब सोचना पड़ता है कि क्यों बेटी बचाएं और क्यों बेटी पढ़ाएं। जब एक पढ़ी लिखी महिला नौकरी करने जाती है तो इससे खफा परिवारजनों पर गला काटकर हत्या किए जाने के आरोप लगते हैं। आखिर कब जागेगा समाज, कैसे बदलेगी ये रूढ़ीवादी सोच और ये परंपराएं? अलवर जिले के शाहजहांपुर में दिन दहाड़े एक महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान उषा पत्नी मुकेश निवासी शाहजहांपुर के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार हत्या किसी उनके परिवार के सदस्य ने ही की है, क्योंकि यह महिला राजपूत समाज की है और उसका किसी फैक्ट्री में नौकरी करने जाना हत्या का कारण बन गया। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में किसी को भी अभी तक हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन चर्चा है कि हत्या उसके ताया ससुर ने की। पुलिस अभी जांच में जुटी है और शव को मोर्चरी भिजवाकर पोस्टमार्टम करवा दिया गया। संभवतया उषा की मौत उसकी नौकरी करने से खफा ताया ससुर द्वारा की गई। पुलिस अनुसंधान में जुटी है। सवाई माधोपुर के मान टाउन थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। इनमें चोरी की 7 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं और 2 को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके अंतर्राज्यीय बाइक चोरों को मान टाउन पुलिस थाना ने 7 बाइकों के साथ 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बाइक चोर में बोली के बड़गांव का सुरेश और झोपड़ा निवासी सोनू से सख्ती से पूछताछ करने पर उनकी निशानदेही पर उनके घर से 7 बाइकें जब्त की हैं। अभी और भी कई चोरियों के राज खुलने की संभावना है। सोनू लड्डूलाल मीणा, उम्र 26 साल, निवासी बड़ागांव सरोवर थाना बोली, और एक दूसरा है सोनू सनौप रामस्वरूप मीणा, उम्र 20 साल, निवासी झोंपड़ा थाना सुरवाल के हैं। इन दोनों को 11 तारीख को खैरदा पुलिया के पास नाकाबंदी के दौरान पकड़ा गया था। जिनसे जो संदिग्ध हालत में इनके पास एक मोटरसाइकिल मिली, जिसको थाना परिसर पर ला के चेक किया जब नेट पर, तो वो अपने थाना आजा की चोरी की निकली, जिसके बाद इनको पुलिस हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ की गई, जो पीसी रिमांड पर चल रहे थे, और जिनसे आज 7 करीब 6 मोटरसाइकिलें और बरामद की, जो विभिन्न जिलों से, कई तो जयपुर से चोरी करी हुई हैं, एक अपने कोतवाली सवाई माधोपुर से, एक गंगापुर कोतवाली से चोरी की है। अभी तफ्तीश जारी है। और थाना क्षेत्र में हरजी गांव के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई, जिसमें सवार यात्रियों में 5 को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मामला जालौर के हरजी गांव का है, जहां पचावना नदी रपट पर तेज गति से आती बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें यात्रियों को गंभीर चोटें आई। सूचना मिलने पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीण और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। यह दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई, उसने शराब पी रखी थी और तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
उदयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 46 की भाजपा पार्षद गरिमा पठान का शव देर रात उसी के घर के पानी की टंकी में मिला। सूत्रों के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। पुलिस मृत्यु के कारणों और अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। वार्ड नंबर 46 की पार्षद गरिमा पठान का शव देर रात सिलावट वाड़ी स्थित उनके घर की पानी की टंकी में पड़ा हुआ मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार रात गरिमा अपने बेटे और बेटी के साथ अपने घर पर ही मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बुधवार को उसकी शादी की सालगिरह भी थी। गरिमा पठान का पति शहर से बाहर डूंगरपुर गया हुआ था, इसलिए उन्होंने काफी देर तक पति से बात की। चूंकि बच्चों की भी परीक्षा चल रही है, इस वजह से रात 12 बजे तक बच्चे पढ़ते रहे, बाद में सोने के लिए चले गए। देर रात करीब 3 बजे बच्चों की आंख खुली तो उन्होंने अपनी माँ को पास में नहीं देखकर घर में ढूंढा। बाद में छत पर जाकर देखा तो पानी की टंकी का ढक्कन खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा तो माँ को पानी में डूबा हुआ पाया। बच्चों ने आवाज देकर पड़ोसियों को बुलाया। मौके पर घंटाघर थाना पुलिस ने पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद शव को टंकी से बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार वहां पर कुछ मेडिसिन गोलियों के रैपर भी मिले हैं, जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने गोलियां भी खाई थी। जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ दिनों से गरिमा पठान काफी तनाव में थी। तनाव के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है। देश भर में कांग्रेस द्वारा चलाए गए शक्ति प्रोजेक्ट के तहत ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक कर इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारियां दी गई। अलवर शहर के दोनों ब्लॉक सहित अलवर ग्रामीण विधानसभा और किशनगढ़ में कार्यकर्ताओं को आह्वान किया गया है कि आम जन को कांग्रेस की विचारधाराओं से अवगत कराए जाने तथा ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के सदस्य बनाए जाए। प्रोजेक्ट शक्ति द्वारा कांग्रेस आम जन को अपनी विचारधारा से अवगत कराना चाहती है, साथ ही कांग्रेस से लोग सीधे जुड़े और सदस्यता भी ग्रहण करें। यह अभियान आने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लक्ष्य मानकर शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में अलवर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सीएल जाजौरिया, महिला कांग्रेस प्रदेश महासचिव डॉक्टर पुष्पा गुप्ता सहित अनेकों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चर्चा की। अपनी एक बैठक रखी है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि शहर में और पूरे भारत में हम कांग्रेस परिवार को बड़ा करने के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने एक प्रोजेक्ट दिया है जिसका नाम शक्ति प्रोजेक्ट रखा गया है, और उसके तहत हम अपने इस परिवार को आम जन तक ले जा रहे हैं। जो कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं वो अपना वोटर आईडी और जो एक स्पेशल नंबर दिया गया है उसको डालकर वो कांग्रेस से जुड़ सकते हैं। इसका प्रचार प्रसार हमारे आम कार्यकर्ता हम सब मिलकर करेंगे। उसी के संदर्भ में ये मीटिंग का आयोजन किया गया है कि हम किस तरह से अपने कांग्रेस परिवार को बढ़ाएं और आम जन तक अपनी भावनाओं को पहुंचाएं। ये हमारा उद्देश्य है। वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा में भी पूर्व विधायक टीकाराम जूली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। किशनगढ़ वास में संजीव बारेट की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पद्मश्री सूर्यदेव बारेट, जिला प्रमुख रेखा राजू यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राजस्थान में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा के उपचुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस ने अपनी आगे की रणनीति के तहत आगामी चुनावों को देखते हुए शक्ति प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बूथ समितियों को कैसे सशक्त बनाया जाए और नव संवत की तैयारियों पर भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं से नव संवत कार्यक्रम में आम जन को जोड़ने का आह्वान किया। इस दौरान संगठन प्रभारी अखिल शुक्ला ने जानकारी दी कि भाजपा संगठन की बैठक में बूथ स्तर को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की गई। साथ ही 9 अप्रैल से मनाए जाने वाले गौरव सप्ताह की तैयारियों पर भी बात की गई। ये संगठन की मीटिंग है। ये संगठन की मीटिंग में हम लोगों ने सब जो बूथ समितियां बनाई हुई है उन सब बूथ समितियों को और कैसे सशक्त बनाया जाए इस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और हमारा जो बूथ का जो प्रवास हम जिस तरह से करेंगे वो कार्यक्रम है, नव संवत्सर का जो कार्यक्रम हम करने वाले हैं उसकी भी हमने चर्चा करी है। और हम लोगों ने सारा जो 21 सदस्य हमारी बूथ समितियाँ हैं उनको और कैसे हम सशक्त बनाएँ वो सब चर्चा हुई है। गौरव सप्ताह जो हम 9 अप्रैल से बनाने वाले हैं उस बारे में भी हमारा एक पूरा विचार विमर्श हुआ है। तो इस तरह से संगठनात्मक एक बैठक है, संगठन को मजबूत करने की बैठक। हार के बारे में तो पता ही है कि हम जनता के निर्णय का सम्मान करते हैं, परंतु पार्टी और मजबूती के साथ उभरे। अभी आपने देखा कि त्रिपुरा वगैरह में भी अच्छे परिणाम रहे हैं। इसके अलावा पार्टी तो जहां 2 सीटें थी उसके बाद ही तो बहुत उभर करके संगठन धीरे धीरे बढ़ा है। तो हम सब लोग हार से एक तरह का सबक लेते हुए और पार्टी को मजबूत करते हुए विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से विजयी हों और 180+ का जो हमारा
माननीय वसुंधरा जी ने जो हमें लक्ष्य दिया है वो हम सब प्राप्त करें, इसके लिए हम सब लोग लग गए हैं। राजस्थान पूरे प्रांत के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से पूरे तनमन से हम जी जान से लग चुके हैं। 18 मार्च को नव संवत्सर का कार्यक्रम है और नव संवत्सर हमारे हिंदू संस्कृति में हमारा नववर्ष माना जाता है। ये सबके लिए एक तो मंगलमय, उसकी मैं सबके लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ सबको। और इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने के लिए और भव्य बनाने के लिए पार्टी में कई तरह की योजनाएं चल रही है और तरह तरह के कार्यक्रम रख रहे हैं, होर्डिंग्स लगाना और पंपलेट्स वगैरह बांटना और जैसे अपना स्टिकर है वो देना और अपने बैनर वगैरह लगाना, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ चल रही है। और सारे मंडल अध्यक्ष हैं उनको भी आज आदरणीय शुक्ला साहब ने सबको निर्देशित भी किया है और सबको इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए, भव्य से भव्यता कैसे बने इस तरह पर विचार। गौरतलब है कि इस बार भाजपा नव संवत पर पूरे देश में एक भगवा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, जिसके तहत भाजपा और आरएसएस से जुड़े संगठनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को युवाओं को रूबरू कराना है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। भाजपा में खुशी की लहर, तीनों राज्यसभा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। राजस्थान में कांग्रेस का नहीं है एक भी राज्यसभा सांसद। पुलिस महानिरीक्षक जयपुर रेंज पहुंचे, खैरतल हत्या के मामले का लिया फीडबैक। मृतक को व्यापारियों ने दी श्रद्धांजलि। ताया ससुर ने भतीजे की पत्नी को सरेआम तलवार से काटा, तमाशबीन बने रहे लोग, बहू के नौकरी करने से थे नाराज। भाजपा की महिला पार्षद का पानी की टंकी में मिला शव, संदेहास्पद बना मामला। उदयपुर में हुई घटना। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।